तो गाइस पिछले 24 घंटों में WWE की तरफ से क्या न्यूज अपडेट और रूमर से आई देखते हैं इस वीडियो में। तो गाइस फाइनली एक बार फिर से यहां पर रॉयल रंबल का जो डेट था वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। आखिर कब और कैसे होगा आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। उसके बाद इस बार के स्मैकडाउन को देखकर साथ यही पता चलता है कि रैंडी ऑर्टन यहां पर बेट्रॉय करने वाले हैं कोडी रोड और साथ साथ यहां पर केविन ओवेन को भी। उसके बाद एक जीनियस क्वेश्चन आपसे रहेगा कि अभी तक यहां पर जॉन सीना के करियर का सबसे बेस्ट अपोनेंट कौन था। उसके बाद गाइस यहां पर आखिर ये कौन सी बकचोदी है यहां पर जो कि डोमिनिक मिस्ट्रो को टीसू के पेपर में यूज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉयल रंबल के। जो रॉयल रंबल का वो डेट था यहां पर फाइनली अनाउंस हो चुका है वो होगा इस बार के फरवरी में, शायद से फर्स्ट और सेकंड फरवरी को देखने को मिल सकता है। वैसे आप देख सकते हैं ये 6 रेसलर जो है यहां पर स्पेशली इनको यहां पर फीचर किया है। पहले लिव मॉर्गन, उसके बाद रिया रिपली, रॉम रेंज, कोडी रोड, लिव मॉर्गन, उनके साथ साथ यहां पर सीएम पंक भी हैं इस बार। उसके बाद इस पोस्टर को देखकर यहां पर ड्रू मैकइंटायर से रहा नहीं जाता, वो कहते हैं कि लाओ इनको यहां पर प्रमोट करते हैं। वैसे आप देख भी सकते हैं यहां पर ड्रू मैकइंटायर ने पोस्टर को लेकर उन्होंने यहां पर ट्वीट भी किया है। वैसे हमें लगता है कि ड्रू मैकइंटायर अपने यहां पर फोटो न देखकर इस पोस्टर में वो यहां पर गुस्से हो जाते हैं। तो वैसे यहां पर ट्रिपल एच का ऐसा मानना है कि इस टिकट को लेकर यहां पर 13 से 15 नवंबर के बीच ये टिकट अवेलेबल हो जाएंगे रॉयल रंबल के लिए। उसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट यहां पर लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर। वैसे गाइस इस समय सभी लोग यहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो का फायदा उठा रहे हैं, इस प्रकार यहां पर लिव मॉर्गन भी आप देख सकते हैं उनका फायदा उठा रही है। वैसे गाइस यहां पर लिव मॉर्गन हद तो तब कर दी जब उन्होंने यहां पर टिश्यू पेपर की यूज में उनको यूज करने लगे अपने टॉयलेट में। वैसे आप देख भी सकते हो गए इनको आप। और गाइस हमें तो लगता है यहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो से ज्यादा हिस्ट्री में किसी को वो नहीं मिला होगा। उसके बाद गाइस यहां पर इंट्रो के वीडियो में जैसा मैंने आपसे पूछा था कि आखिर बेस्ट जॉन सीना के कैरियर का कौन अपोनेंट था, तो आप यहां पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वैसे अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो हमें लगता है कि दी रॉक से बढ़िया अपोनेंट इनका शायद ही कोई होगा, जब दी रॉक वर्सेस जॉन सीना के बीच यहां पर रेसलमेनिया मैच हुआ था और शायद वही उनके कैरियर का यहां पर बेस्ट अपोनेंट रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर बात कर लेते हैं उसोस के बारे में, यानी कि जे उसो और जिमी उसो जब यहां पर टैग टीम चैंपियन हुआ करते थे इनका टाइटल रेन था 622 दिन का और जिसके दौरान उन्होंने केवल 70 बार ही यहां पर टाइटल अपना डिफेंस किए थे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है इसके पीछे का रीजन? वैसे गाइस इसके पीछे का सीधा सा एक रीजन हो सकता है कि वो रॉमरेज के साथ हमेशा रहते थे जिसकी वजह से उनको टाइटल डिफेंस में वो ज्यादा मौका नहीं मिला। उसके बाद गाइस यहां पर रॉमरेज के किकआउट को लेकर इस समय काफी चर्चे में है कि रॉमरेज केवल 2.99 सेकंड में वो किकआउट कर देते हैं और इनके किकआउट से पहले ऐसा लगता है कि यहां पर बस करो अब यहां पर रॉमरेज जहां पर हार ही मानने वाले, पर सडनली जब वो किकआउट करते हैं तो सारे लोग यहां पर शॉक हो जाते हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर रिया रिपली को सीएम पंक बना दिए, यहाँ पर कैसा खेल रूटीन है यहाँ पर। और कुछ लोग यहाँ पर जो सडनली अचानक में देखेंगे तो यहाँ पर पहचान ही नहीं पाएंगे ये रिया रिपली है या फिर सीएम पंक है। विल कल के यहाँ पर इंटरव्यू में कहीं यहाँ पर सीएम पंक गए हुए थे जहाँ पर ड्रू मैकइंटायर के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं सर से बुलसेट। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आप ये पिक देख सकते हो जो कि यहाँ पर मंडे नाइट और स्टार्ट होने से पहले का है। आप देख सकते हो किस तरह यहाँ पर कितना औसम लग रहा है, बिल्कुल शांत और सुनसान लग रहा है जहाँ एक भी रेसलर दिखाई देने को नहीं मिला ना एक ऑडियंस भी यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो ये 15 यहाँ पर रेसलर हो चुके हैं जिन्होंने लास्ट टाइम अपना टाइटल डिफेंस किया था और लास्ट टाइम वो चैंपियन बने थे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जी उसो से पहले का है। हालांकि इस समय तो जी उसो उनसे पहले यहाँ पर गुंथर रह चुके थे, फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर, उसके बाद सेमी जेन और भी काफी सारे रेसलर यहाँ पर रह चुके थे। उसके बाद गाइस यहां पर नेक्स्ट अपडेट है यहां पर केविन ओवन के लेकर। आप देख सकते हैं केविन ओवन कहीं घूमने गए थे, साथ से वो इनके फैमिली का यहां पर ये फोटो है। वेल गाइस यहां पर केविन ओवन का इतना एज होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं वो फिट एंड फुल लग रहे हैं। तो गाइस इस समय जहां पर फ्यूड चल रहा है पर केविन ओवन, उसके बाद रैंडी ऑर्टन, उसके बाद यहां पर कोडी रोड को लेकर अगेंस्ट ब्लड लाइन के बीच, जिस तरह यहां पर ब्लड लाइन उनको यहां पर इस बार के स्मैकडाउन पे हराया उससे देखकर साफ यही पता चलता है कि रैंडी ऑर्टन इस टीम में ज्यादा समय तक नहीं रुकने वाले हैं और वो शायद काफी जल्द ही यहां पर किसी न किसी के ऊपर यहां पर टर्न हील करने वाले हैं या फिर हो सकते हैं रैंडी ऑर्टन या फिर कोडी रोड होंगे। उसके बाद गाइस क्या आपको पता है यहां पर 2003 में यहां पर स्टेफनी मैकमैन को विंस मैकमैन फोर्स कर रहे थे कि वो शादी करे और गाइस ये रियल वाला शादी नहीं बल्कि यहां पर ड्रामा फेक लाइन, पर यहां पर स्टेफनी मैकमैन ने ऐसा करने से बिल्कुल भी मना कर दिया। वैसे भाई ये विंस मैकमैन ये सारा इसको गाली देने का मन करता है, यहां पर ये कुछ भी करवा सकता था किसी रेसलर से अपने जमाने में। उसके बाद गाइस आज का ये लास्ट और फाइनल अपडेट है यहाँ पर शॉन माइकल को लेकर। तो गाइस यहाँ पर शॉन माइकल का ऐसा मानना है कि वो काफी जल्द ही रिटर्न करने वाले एनएक्सटी में, जिसकी वजह से वो काफी छोटे छोटे स्मॉल रेसलरों को यहाँ पुश करेंगे और उनको सिखाएंगे किस प्रकार का यहाँ पर रेसलिंग किया जाता है। वेल ये तो अच्छी बात है। तो गाइस यही वीडियो समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।